की शादी होए के आई तो उनके दोस्त जो रहे ठीक ठाक थे। दोस्त ने कहा, क्यों भैया? पिंटू बोले, हाँ शादी है आई। बोले, अरे यार होए तो आई है, संग गए थे तो पूछ रहे। बोले, ताई से पूछ रहे हैं। बोले, बताओ कि जासो पूछ रहे हैं, त्याई कछु देर में शादी भई, कछु देर में, तासे तू ऐसो मत करिए ना, तू अपनी बहू को सर पे बैठा ले, मतलब आंख गरम करके रहिए। मतलब कैसे? बोले, कछु बात कहो तो गरम आंख करके कहना, जे नाय के पीछे पीछे लगे रहो तो वे सर पे बैठ जाएंगे फिर, और कबहू ना उतरेंगे। बोले तो, बोले कछु बात कहो, गरम आंख करके बात करियो। बोले ठीक है, शादी है के आई भैया। अब बे गोल मोल कुलुआ दास रहे, जे मानो आगे पीछे दाएं बाएं सुन। घर में शादी है कि आई शाम के, और जब शाम के आए पाए सो ऐसे बज रहे होंगे 10-11 रात में। सो बाहर से चले आए, बोले बिस्तर इस तो लगाए कि नहीं लगाए ना, बताए भैया। पानी का इच्छा कैसे करते हैं, कब भूत सवार बेचारे डर के मारे ना है। बोली, सोच रही है कि हो सकता है इनका ऐसा ही स्वभाव हो। नाय बोली, पहली बार और आई थी, कहूं 2-4 बार आए भाई, वही तो बताए देवे हाल। चुपचाप रही। सवेरो भो भैया, सर्दी को मौसम रहे और नई बहू को तो सास चे अपन जगत रही होवे 8 बजे, सास चे खुद जगे 8 बजे, और जब नई बहू आ तो 4 ही बजे जगा देती है। चे कछु काम ना हो बे, फिर सास गिरी पूरी दिखाई देती है, हम सास हो जाए तई सुबह उतार के फिर। अरे मेरे भी सास ने अपनी पूरी सासगिरी दिखाई। सवेरो भो भैया, शाम को तो ठीक ठाक थी। भैया नाची कूदी गीत गाए, हंस खेल के बोली। सो घर में जो चाची रहे सवेरे झाड़ रही थी वे, सो चाची ने देखो हपकती जाए, कछु कछु रोती जाए। सो चाची ने जब कही, लली जे बताओ, शाम को तो तुम ठीक ठाक आती, अब रोए काहे को रही हो, का बात है? बोले, हाँ चाची रोए ना रहे। बोले, सो तो बात तो है, कछु बात बताओ, का जीजी ने कछु कही है? बोले, हाँ उनने कछु ना कही। तो का लला ने कछु कही है? उनने उना कछु कही। बोले, वैसे एक बात तो है, लल्ला हमारे इतने सीधे हैं, आज तक जब चांदा गांव में काऊ की लड़ाई ना भई उनसे। सो कछु बोली, बोले हाँ चाची सो तो बात है, लेकिन हमने जस सुनी है कि सीधो मुंह सर हो तो सो एक ही ठोक में। बोले, मतलब? इसका मतलब कछु लड़के ही ने कही है? बोले, बस राखो चाची, अब ना पूछो कछु। अरे बताओ कोई बात हो, अबे ना बतायो तो फिर हम कहेंगे कैसे, फिर बात तो बड़ी हो जाएगी, बात बताओ क्या है? बोले, चाची सुनो, कहूँ से कहियो मत। बोले, बिल्कुल नहीं, किसी से नहीं कहेंगे। बोले, चाची कछु बात कहें तो जो कहते हैं फलानो काम करो कि ना करो ना बताएं बिहार। सो चाची बोली, अरे पागल है, जा तो इनकी बंदर गुड़ की होती है, थोड़ी देर के लिए हैं फिर जैसे के तैसे। बोले, चाची जिंदगी का 2 दिन की है, पता नहीं जाग दई कितने दिन की है, और जे ऐसे ही करेंगे तो जिंदगी कैसे कटेगी। बोले, तू ना झेल पा रही तो हमें को उपाय बताए। बोले, बताओ ऐसा करना, अब की बार में आए और काऊ काम की कहें फलानो काम करो कि ना करो ना बताए भ्याल, तो तुझे कह दिए, बताओ का बते। ए चाची, हम ना कहे। बोले, क्यों? पता नहीं कैसे स्वभाव के हैं, अबे तो घर में रिश्तेदार भरे हैं और सबके सामने अगर कहूं धमर कुटा खेलने लगे तो। बोले, तो पागल है, मार डालेंगे, 2-1 थप्पड़ मारेंगे सो झेल लिए। बोले, हम ना है चाची। अरे पागल है तो फिर सुन, और नहीं तो मेरी बात मान। बोले, ठीक है तो अंजवाए। सवेरे आए पूछ, वो महीना रहे कोहरा पड़े,
सो मधु घूमन चले गए, रास्ते में कहूं पिलिया खिलती सुबह पिलिया में उज गए। हाँ बच्चन के लड़कन के संग छोटे छोटने के संग पिलिया खेलने लगे। सो ऐसे 9-10 बज गए रहे, लेकिन कोहरा ना छूटो। जब कोहरा ना छूटो उधर से आए सो कप कप आता है ठंडी लगे। सो बोले पानी आनी गरम करो ना कि ना करो ना बता बिहार। सो पाने कही लाओ जवाय ले। सो भक्के गई सामने ना करो बताओ का बताओ। कछुड़ा हम तो ठंडे ही थे नहाए लिए। चाची की बस शेर छाप चौनी चले गई। तो जैसे को तैसो जब तक ना मिले तो वो अपने को सर्वोपरि समझता है, पता है। तो कछु लोग ऐसे होते हैं, इनकी मजबूरी है जात ना सामने खड़े है वे की। अब तुम सोचो कि ना हम चढ़ते ही जाए चढ़ते ही जाए। अरे भैया कब तक कोई पीछे हटेगा, फिर तो वो खड़े ही है, हाथ पाए हिले ही है थोड़े बहुत के ना हिले। सोई फिर बाद मकान लगत है तो कछु ना हम ठंडे ही थे ना हिली। तो तू बिगारे मत। बोली रास बिहारी भगवान की वही धीरे से कर देते हैं।